2 अक्टूबर से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी लगने जा रही है। साल 2022 तक भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से फ्री करने का लक्ष्य रखा गया है। पर्यावरण के लिए खतरा बन चुके प्लास्टिक से निजात पाने के लिए दुनिया भर में मुहिम शुरू हो चुकी है। भारत में सरकार 2 अक्टूबर से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने जा रही है। 23 राज्यों में वर्तमान में अपने स्तर पर सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने की घोषणा की थी, जिसकी वजह से प्लास्टिक का इस्तेमाल घट रहा है। भारत में रोजाना 25,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक का कचरा निकल रहा है। इसमें 94% ऐसा प्लास्टिक होता है जो रिसाइकिल हो सकता है और 40% प्लास्टिक ड्रेनेज और नदियों को चोक कर देता है। वहीं WWF की एक नई रिपोर्ट में सामने आया है कि हर साल एक इंसान 1 मिलीमीटर के छोटे प्लास्टिक के टुकड़े निगल रहा है, यानी 1,20,000। दुनिया भर में लोग एक हफ्ते में प्लास्टिक के 1,700 से ज्यादा कण पानी के साथ निगल रहे हैं। वहीं 1,82,000 शेलफिश के जरिए, 11 नमक और 10 बियर के जरिए प्लास्टिक निगल रहे हैं। माइक्रोप्लास्टिक हवाओं के जरिए भी शरीर के अंदर जाते हैं। लंबे समय तक प्लास्टिक के शरीर के अंदर रहने से क्या दुष्प्रभाव होते हैं, अभी तक शोधकर्ताओं के पास इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। वहीं जर्नल ऑफ एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेटा के मुताबिक इंसान हर साल प्लास्टिक के करीब 50,000 पार्टिकल्स खा जाते हैं। हर साल दुनिया भर में 500 अरब प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल होता है। एक अनुमान के मुताबिक 14 मिलियन टन में से सिर्फ 4-5% पर रोक लगाई जा रही है। बड़ी समस्या ये है कि इस बैन का असर छोटे दुकानदारों और गांव पर पड़ सकता है, जो पाउच में भी चीजें खरीदते और बेचते हैं। रमाना अलवी, गो न्यूज़।